ये पता क्या करती है, जब ऑडियंस आ रही होती है दरवाजे पे खड़ी होती है, 100 की तत्थी पकड़ के, ओके 100 के नोट ऐसे यूं यूं खड़े जाते हैं। अरे वाह। और फिर उसके बाद बाजी बाजी के मोमल कह रही है अगली बार मैं भी आऊंगी। भाई लंदन जाना था मोमल को। सुमेरा कैसी है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। हमारी बाजी, ये वो बाजी जो सब जानती हैं। तो सिर्फ बाजी क्यों किए जा रहे हैं? मतलब हो गया, सुमेरा भी ठीक है। नहीं, वो खुद ही कहती है कि बाजी का चल, वो बिलीव नहीं करती और बाजी। आपने लाइटें क्यों बंद कर दी इसकी? सेट का कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं पता लाइट्स क्यों बंद। आज एक लेट्स सी, आज फुल मून है तो शायद इसलिए इन्होंने का जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, मेरा आज हमारे साथ मौजूद है मोमल शेख, मोहित मिर्जा, दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज हैं। तो सबसे पहले आप किसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगी? मोमल के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। मोमल का चार्ट मैंने देखा तो बड़ा कोई इंटरेस्टिंग इनका चार्ट था। आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग नहीं हो, बट मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि क्यों नहीं इंटरेस्टिंग हो पता चलेगा। ओके, अभी इनके क्वेश्चंस शक डलवा दें कि मैं लोगों को बुलाता यहां पे इसलिए हूं कि जहां जहां जिनके चार्ट्स मेरे साथ मिल रहे हैं ये ना करें आप मार्केट में, इस तरह गलत अफवाहें फैलती हैं। अच्छा, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए उसके। मोमल के चार्ट में ये भी है कि वो स्लो है थोड़ी सी। स्लो ये सेगमेंट इसलिए है। किसके लिए? आपके लिए। मेरी ख्वाहिश पे। तो मोहित के साथ क्या होगा? मोहित और मेरे बीच में सिर्फ एक फर्क है, हाइट का। अच्छा जी, चलते हैं प्लीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर चार्ट। आई सी कि आपका जो चार्ट है बड़ा कोई ये आप ना करें, मेरे प्रॉप्स को ना हिलाएं, आपने ये बल्ब नग्ना कर दिया। ओके, ये शमाए महफिल ऐसे देखें, आप किसी के कपड़े यूं नहीं उतार सकते। अभी यही तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये शमाए महफिल आपके सामने नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ये नहीं नाचेगी आज आपके सामने। ओके ओके, सॉरी। ओके, सो स्टार्टिंग विद योर, पढ़ता रहने दे यार उसको, वो वुजू कर गया है। यस, वो ज़्यादा बार पर्दा रखेंगे उसको जैसा कि उनका चार्ट है। सो स्टार्टिंग विद योर चार्ट, आई सी दैट शी इज़ वेरी लॉयल, डिपेंडेबल एंड अ स्टडी पर्सन। मोमल के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आपने इन्होंने कमिटमेंट आपको दी है तो वो पूरी करेंगी। खुद की भी सुनेंगी फिर, ये नहीं कहूँगी, ये सोच समझ के ही कमिटमेंट देती हैं, ऐसे नहीं दे देती बस आउट ऑफ नोवेयर। बट शी इज़ वेरी कमिटेड पर्सन, आई वुड से बड़ी कंसिडरेट भी हैं और थोड़ा क्विक, इनकी कैलकुलेशंस बड़ी ऑन पॉइंट होती हैं। अगर इनको डिसाइड करना है, शी विल टेक लाइक कैलकुलेटेड वेरी क्विकली, बिकॉज लाइफ हैज़ कम अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से जो है ये बहुत अच्छे डिसीजंस अपने लिए लेती हैं। पैसे का कितना इंपॉर्टेंट रोल है मोमल की? पैसे छोड़े, ट्रैवलिंग बताएं। ट्रैवलिंग फ्री में थोड़ी होती है, फीस अभी। अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ पैसों का क्या है रोल? पैसों का रोल, पैसों का ही रोल है। किस सेंस में? देखिए, पैसों का ही होता है रोल, कबाब रोल, चिकन रोल, या कौन से हो? बिल्कुल, तो इनकी लाइफ में पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनकी जो सिक्योरिटी की नीड्स हैं, जैसे सिक्योरिटी इनकी पैसे के थ्रू आती है। अगर इनके पैसे थोड़े से कम होने शुरू हो जाएं तो इनको थोड़ा सा एंजाइटी शुरू होगी इनको। और प्लस जो ट्रैवल किस तरह करूंगी अब नेक्स्ट, बिल्कुल। और पोजेसिवनेस जो है अपनी चीज़ों को लेके, वो भी थोड़ी इनकी ज़्यादा है कि अगर इनकी कोई चीज़ है तो वो इन्हीं की है, आप उनसे ले नहीं सकते। अनलेस शी गिफ्ट्स इट टू यू, यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम हर। एक चीज़ जो मुझे आपके चार्ट में नजर आई, आपके चार्ट में आपके नीड्स और जो आपकी डिज़ायर्स हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। यानी जो चीज़ आपकी नीड होती है उससे अलग होती है आपकी डिज़ायर, कि आपने जैसे लेट सपोज आपकी मनी ऐसी होती है, नो इट्स लाइक सबकी ऐसी होती है, मनी सेविंग जैसे है, लेकिन आपकी जो डिज़ायर होगी वो उस टाइम पे ट्रैवलिंग की होगी। तो जो मनी सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एज वेल एज ट्रैवलिंग, सो नाउ यू विल ट्राई टू बैलेंस द टू थिंग्स। आई थिंक सो, आई एम नॉट गोना से आई विल ट्रैवल। यस, दैट्स व्हाट आई हैव डन। मैं वही कहने वाला, सेविंग वो क्या होता है? सेविंग क्या होता है? कितने मुल्क घूमी आप? काफी। कितने? अच्छा, आप ये बता दें कौन सी जगह रह गई है? ओ, ऑस्ट्रेलिया रह गया है, मालदीव्स रह गया है,
बस दो मुश्किल है 200 से ज्यादा ये आपको आते हैं आर्टिस्ट के नाम है नहीं नहीं आर्टिस्ट के नाम आते हैं मुझे जिस तरह पता चलता रहेगा और ट्रैवल कर आई लाइक एक्सप्लोरिंग बट मैं बहुत से ज्यादा ट्रैवल किया मैंने दुबई गया हूं थाईलैंड गया हूं दुबई गया हूं थाईलैंड आप तो फंस भी गए थे वो भी थाईलैंड में और फंस गया थाईलैंड में थाईलैंड में फंस गए थे कैसे कोविड वाले ओ यस ऑफ कोर्स ओके यहां ओके बैक टू यू तो हम बात करेंगे आपकी ट्रैवलिंग की तो आपके ट्रैवल प्लान्स बहुत पहले से डिसाइडेड नहीं होते वो थोड़े एब्रप्टली डिसाइड होते हैं और आप ट्रैवल करती हैं इस चीज में एकदम आपको अपॉर्चुनिटी आती है एंड देन यू गेट टू ट्रैवल वाइसेस क्या है मोमल की शी इज अ वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन इनका कोई अगर हम देखें तो इनकी लाइफ बड़ी कंट्रोल्ड है लाइक शी नोज के इनको क्या चीज़ें लाइफ में चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए किन चीज़ों से दूर रहना और किन लोगों से भी दूर रहना है शी इज वेरी क्लियर ऑन दोस गार्ड्स अप ऑल द टाइम बिल्कुल 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 सो शी इज क्वाइट गार्डेड इन दैट सिक्योर करके रखा है इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल किले में बंद किया अपने आप क्या वो शहजादी है जो किले में बंद है और फिर वो बाल गिराती है लंबे बनाए वैसे ब्रेड है ये ना ब्रेड बट ब्रेड भी छोटी हो गई कैसे रखूंगी कोई बात नहीं किसी से छोटी हो गई ये छोटी छोटी हो गई एक और चीज इनके चार्ट में ये की शी कीप्स ऑन इंप्रूविंग हरसेल्फ अपने आप पर काम करती रहती है अगर इनका कोई काम है तो ये सेल्फ क्रिटिकल होके अपने काम को इम्प्रूव करेंगी और अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं आपका जो इमेजिनेशन है मैंने देखा वो बड़ा कोई वास्ट किस्म का है द थिंग्स यू इमेजिन इन योर हेड It's like for example, for example, you tell us. You tell example. us. उसे पूछ उसे कह रहे मैं मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या भाई आप imagine क्या कि घर पे बैठी हुई सोच रही होती क्या सोच रही होती हैं आप के लंदन में इस वक्त लाइटें लग गई हैं बिल्कुल बिकॉज़ ऑफ द ट्रैवलिंग के ये पूरा इमेजिन करके जाती है विजुअल बनाएगी और पावर इसकी ये है कि ये उसको फौरन मैनिफेस्ट भी कर लेगी हां मैनिफेस्ट कर माशाल्लाह क्योंकि विजुअल बोर्ड इतना स्ट्रांग होता है ना बिल्कुल इनकी जो कनेक्शन है लोगों के साथ वो ये शैलो कनेक्शंस नहीं बनाती अगर इनको कनेक्शन बनाना है वो बिल्कुल डीप और इंटीमेट लेवल पे होगा पक्की दोस्ती और इनको अपने दोस्तों के बारे में पता चल जाता है उनका मूड कैसा है एंड आई थिंक शी कैन रीड पीपल ऑल्सो वेरी इजीली लाइक सिर्फ बात करके इनको आइडिया हो जाता है डेप्थ में चली जाती है ये उस चीज़ की सो इनके चार्ट में वाटर बहुत ज़्यादा है वाटर यस तो इंट्यूशन भी इनकी बहुत स्ट्रांग होगी आई वुड से कि शी कैन फील थिंग्स कमिंग कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी ये प्रोजेक्ट साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ये इंटुइटिवली चीज़ें डिसाइड कर सकते तालियां भी तालियां जबरदस्त अच्छा मोहिब और तो डेप्थ बहुत है मोमल में जी जी जॉनी डेप्थ मोहिब का चार्ट मैंने देखा तो सबसे जो प्रोमिनेंट चीज आपके चार्ट में वो है फायर इतनी फायर है आपके चार्ट में मतलब हर तरह की फायर अच्छा फायर के जिनके चार्ट में फायर ज्यादा होती है तो उनको दे वांट टू परफॉर्म एंड दे वांट टू बी अप्रिशिएटेड तो ये अगर इनके पास ऑडियंस होगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म्स करेंगे ये एंड ही लव्स टू बी अप्रिशिएटेड जो कि इनके चार्ट के अंदर मैंने देखा और इनकी बड़ी कोई ग्रैंड किस्म की एनर्जी है बहुत अच्छे लग रहे हो मोहिब से किसी को काम कराना है तो बोले ओहो बस बस आपसे अच्छा ये तो आप काटे मेरे ख्याल से क्या लग रहे हैं आप क्या लग रहे हैं आप यार बस फिर मोहिब डाउन बिल्कुल बिल्कुल मोहिब यार प्लीज बाय